छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार से शुरू हुए बजट सत्र में कांग्रेस शायद सरकार को विभिन्न विषयों पर घेरने की तैयारी कर ली है, जिसके मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के शंकरनगर स्थित निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान बेचने के लिए प्रदेश में कई किसानों को मौका नहीं मिला है। राज्य में आदिवासी सीएम होते हुए भी जंगल की भारी कटाई हो रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में प्रदेश में हो रही नक्सल घटनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। विधायक दल की बैठक में सभी विधायक उपस्थित थे, साथ में विशेष रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैजी और सांसद ज्योत्सना महंत जी भी उपस्थित रही हैं। और विधायकों ने जहां जिस प्रकार से अभी नेताजी ने जो बात कही, सभी मुद्दे उठाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आज भुगतान के लिए परेशान है, टोकन नहीं मिला, समय वृद्धि होने के बावजूद भी बहुत सारे किसान अभी भी धान बेचने के लिए वो उनको मौका नहीं मिला गया। उसी प्रकार से लगातार जो वनों की कटाई हो रही है, चाहे वो सीता नदी अभ्यारण्य की बात हो, चाहे उदंती अभ्यारण्य की बात हो, चाहे हरदेवरण की बात हो, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए जंगलों की जो भारी कटाई हो रही है, इसमें बड़ी हमारे विधायक दल के साथियों ने बड़ी चिंता व्यक्त की। उसी प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, नक्सली लगातार घटनाएं बढ़ी है, कैंपों पे हमले हो रहे हैं, 6 माह के बच्चे नक्सली क्लास फायरिंग में उसकी हत्या हो जाती है। ये सारे मुद्दों पे आज चर्चा हुई है और नेताजी के निर्देश पर अलग अलग दिन इसको स्थगन के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से इसको उठाया जाएगा। जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई कि हम उन प्रश्नों को किस प्रकार से विधानसभा में उठाना है, इसके बारे में उन्होंने निर्देश दिया।